हेलो जी, क्या हाल चाल? सब कुछ चकाचक चल रहा है ना? आज मेरे पास है ओप्पो का F21 Pro 5G वाला ये फोन है, और ओप्पो की जो मार्केट ऑफलाइन मार्केट में है ना, ये काफी धाकड़ है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैं पिछले एक वीक से इस फोन को यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या अच्छा है, कहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सब के बारे में बिल्कुल विद्वत तरीके से बात करेंगे। अरे यार, एक चीज जरूर कर देना, ये है वीडियो को बहुत सारा लाइक, बहुत सारा शेयर, और चैनल में पहली बार पधार रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो यार और भी अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं बैटरी की। देखिए, यहाँ पर आपको जो बैटरी देखने को मिलती है, ये है 4500 mAh की। आप मॉडरेट यूजर है, आपके फोन की बैटरी एक दिन टिक जाएगी। हैवी यूजर है, हो सकता है यार आपको दिन भर में 2 बार फोन को चार्ज करना पड़े। और जो बॉक्स के अंदर चार्जर मिल रहा है, ये है 33 वॉट का, और इस फोन को चार्ज करने में आपको देने पड़ेंगे 1 घंटे 12 मिनट के आसपास। मतलब आपको जो बैटरी बैकअप मिल रहा है, इसे मैं एवरेज कहूंगा, बट फोन फटाफट चार्ज हो जाता है। 6 5G के बैंड मिल जाते हैं, लेकिन गूगल की सत्यवादी वाली आंटी इस फोन में भी है, जो चीख चीख के बता देगी, देखिए ये बंदा आपकी कॉल को रिकॉर्ड कर रहा है। जो फोन का हैप्टिक फीडबैक है, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, और अच्छी बात यह है, कैरियर एग्रीगेशन भी आपको साथ में मिल जाता है, मतलब 4G प्लस का सपोर्ट। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की। ओप्पो वालों ने यहाँ पर एक चीज हट के दी है, वो है ऑर्बिट लाइट। जब भी आपको कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, आप फोन को चार्जिंग में लगाएंगे, यार पीछे जहां पर कैमरा है, यहाँ पर गोल गोल आपको लाइट दिखेगी, देखने में काफी अच्छा लगता है। और पीछे की तरफ जो मटेरियल यूज करा गया है, ये है पॉली कार्डबोर्ड का। और फोन का जो डिजाइन है, ये थोड़ा सा यार बॉक्सी वाला शेप है। फोन हैंडी भी है, और साथ में फोन का जो वेट है, ये है 173 ग्राम, मतलब काफी लाइट वेट वाला फोन है। आगे की तरफ जो आपको डिस्प्ले मिलती है, ये है 60Hz का एमोलेड पैनल। बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं, या 90Hz 120Hz भी यूज कर सकते थे। 60Hz एमोलेड डिस्प्ले के हिसाब से जो फोन की ब्राइटनेस है, ये आपको निराश नहीं करेगी। आउटडोर में जो विजिबिलिटी है, ये भी आपको अच्छी मिल जाती है। और जिनको OTT में वीडियो देखने हैं, मेरे भाई वाइड वन L1 का भी आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब आप HD में वीडियो देखेंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यदि आपको बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन पसंद है, लाइट वेट वाला फोन लेना चाहते हैं, और आपको हैंडी वाला फोन लेना है, तो आप जा सकते हैं ओप्पो के F21 Pro 5G वाले फोन की तरफ। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। स्नैपड्रैगन का 695 वाला प्रोसेसर मिलता है, और ये प्रोसेसर एक तो 5G वाला है, जो आपको एंटीटू बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलता है, ये है 3 लाख के आसपास। फोन में बहुत ज्यादा थ्रोटलिंग इशू भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, और साथ में आपको UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिल रहा है। गीक बेंच जो स्कोर है, ये भी आपको डिसेंट मिल जाता है। जिनको BGMI खेलना है मेरे भाई, और अल्ट्रा सेटिंग में जाकर आप BGMI का आनंद उठा सकते हैं। और फोन में अभी यार मैंने जितना यूज किया है, ज्यादा यार हीटिंग इशू देखने को नहीं मिली है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्नैपड्रैगन में काफी ज्यादा ट्रस्ट है। आप बताइए, आपको स्नैपड्रैगन ज्यादा पसंद है, या आपको यार MediaTek के प्रोसेसर में ज्यादा आनंद आता है? ओप्पो का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पहले से अच्छा है, और इस फोन में भी यार वही ColorOS है, और इसको चलाने में आपको मजा आ जाएगा। लेकिन अभी ये फोन Android 11 में बेस्ड है, और जो आपको सिक्योरिटी पैच देखने को मिल रहा है, ये है फरवरी 2022 वाला। और मुझे उम्मीद है यार ओप्पो वाले बहुत जल्दी यहाँ पर Android 12 भी देंगे, और यार नया वाला सिक्योरिटी पैच भी आना चाहिए। 8GB की रैम यार आपको मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ आप 5GB तक की रैम को बढ़ा सकते हैं। चलो यार, ओप्पो वालों ने फिंगरप्रिंट में कटौती नहीं करी है, क्योंकि बहुत सारे फोनों में आपको साइड माउंटेड मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है। फिंगरप्रिंट बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं है, और बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है। अब बात करते हैं कैमरे की। देखिए, पीछे की तरफ आपको 64+2+2 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। कोई भी अल्ट्रा वाइड वाला यहाँ पर आपको कैमरा देखने को नहीं मिल रहा है। और जो सेल्फी कैमरा है, ये है 16 मेगापिक्सल का। मैं आपको पहले यार वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ,
देखिए यहाँ पर जो वीडियो की क्वालिटी है ये आपको डिसेंट लगेगी, लेकिन कोई भी आपको विकल्प देखने को नहीं मिलता है 4K वाला। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये इसके बैक कैमरे से मैंने क्लिक करी है, और फोटो में जो कलर टोन है ये आपको बिंदास लगेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा लग रहा है ये आपके चेहरे के जो दाग धब्बे हैं इसको साफ कर देगा, आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर सकता है। और यार जो डायनेमिक रेंज है इसे भी काफी अच्छे से मेंटेन किया गया है। जब मैंने नाइट में फोटो ली ये भी मुझे डिसेंट लग रही है। इस फोन का जो सेल्फी कैमरा है ये है केवल 16 मेगापिक्सल का। 16 मेगापिक्सल के हिसाब से फोटो जो है ये है एवरेज वाली। डुअल वीडियो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर कहूंगा ओप्पो वाले अपडेट के बाद इस फोन का जो कैमरा है इसे और भी बेहतर बना सकते हैं। ये अपडेट कब आएगा ये तो मुझे नहीं पता है, आप बताइए। ओप्पो F21 Pro 5G का कैमरा आपको कैसा लगा है? थोड़ी सी यार आवाज सुनते हैं। इस फोन में आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, और ये यार ना बहुत ज्यादा लाउड है ना बहुत ज्यादा स्लो है, और आपको यार हेडफोन वाला गड्ढा भी साथ में देखने को मिल रहा है। आपके पास यार पुराना वाला हेडफोन है उसका यूज आप कर सकते हैं। और ओप्पो वालों ने मुझे ये भी भेजा था जो है ओप्पो का एनको AR2 Pro, इसका भी मैंने यूज किया है इस फोन में लगा के। इस बड की जो साउंड क्वालिटी है ये आपको निराश नहीं करेगी यार, ये काफी लाइट वेट वाला है, और कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कहीं खो खा ना जाए। इस बड्स का जो बैटरी बैकअप है ये आपको एक दिन का मिल जाता है, और जो यार आवाज है ये भी काफी शानदार है, काफी नीट एंड क्लीन वाली है, क्योंकि 12.4mm का आपको ड्राइवर साथ में मिलता है। नॉइस कैंसिलेशन है, आप यार टच करके कंट्रोल कर सकते हैं। IP54 की रेटिंग आपको साथ में मिल रही है। यदि आपका बजट अलाउ करे तो आप ओप्पो के इस बड में जा सकते हैं, और विद इन अ सेकंड ये बड किसी भी स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाएगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब मुद्दे की बात करते हैं, क्या आपको लेना चाहिए ओप्पो का F21 Pro 5G। ये फोन आपको ऑनलाइन तो यार देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और ऑनलाइन में आपके पास और भी बहुत सारे विकल्प है, लेकिन ओप्पो की जो डिमांड बहुत ज्यादा है वो है ऑफलाइन मार्केट में। ऑफलाइन मार्केट में मैंने पता करा, डीलर ये कह रहा है हाँ ओप्पो का F21 Pro चाहे वो 4G वाला हो चाहे वो 5G वाला हो इसकी डिमांड है। और ये भी एहसास होता है ओप्पो वालों ने इस फोन का जो प्राइस रखा है ना थोड़ा सा ज्यादा ये ऑफलाइन के चक्कर में रखा है। क्या मेरी बात से सहमत है? हाँ, मुझे पता है आप ये जरूर सोच सकते हैं यार स्नैपड्रैगन का जो 695 वाला प्रोसेसर है इससे अच्छा वाला प्रोसेसर दे सकते थे, का 60 हर्ट्ज की जगह और यार 90 हर्ट्ज का 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले होता तो और भी बात बन जाती। अब आप बताइए आपको क्या लगता है, जो ओप्पो का F21 Pro 5G वाला फोन है क्या आप इस फोन की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इस वीडियो में यदि आपको कुछ यार वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत सारा शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।